How are you feeling, sir? I'm feeling very good. Very good. So April started on a very 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 fun note. काफ़ी eventful महीना था ये. And नई गाड़ी लेने के बाद मैंने एक्चुअली पहली बार नवरात्रि पे कंजकों को खाना खिलाया, which was amazing. पर इस महीने का हाईलाइट था माई विजिट टू इटावा. मैं लाइफ में पहली बार इटावा गई. इटावा के थोड़ा अंदर जाके मेरे फादर इन लॉ का एंसेस्ट्रल विलेज है जिसका नाम है गंगौरा. वहाँ पे एक 7 दिन की पूजा का आयोजन था जिसे भागवत कहते हैं. एंड इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड गोइंग टू द हाउस जहाँ वरुण के ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, अभी भी उसके काफ़ी कज़न्स हैं उस विलेज में, ये सब मेरे लिए बहुत नया था, बहुत एक्साइटिंग था, बहुत रीजुविनेटिंग फॉर द सोल था. ये हमारी 7 दिन की पूजा का सेटअप हो रहा है. एंड ये वरुण के ग्रैंड पेरेंट्स का घर है. एंड यहाँ पे अभी भी इसकी दादी रहती हैं. एंड दिस हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल. एंड यू विल सी मी इन अ वेरी वेरी न्यू अवतार. आई वाज शॉक्ड दैट आई कुड डू दिस, बट यस, आई बिकेम द टिपिकल इटावा बहू एंड हैड द बेस्ट टाइम इन इटावा. मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऑफ गोइंग टू अ प्रॉपर विलेज. एंड दिस इज़ वरुण्स दादी. आई लव्ड हर, लाइक आई जस्ट लव्ड हर. इस बड़े से आयोजन के लिए वृंदावन से स्पेशली मेरी मदर इन लॉ ने एक बहुत रिनाउंड व्यास जी बुलाए, जिन्होंने पूरे 7 दिन की पूजा बहुत ही बहुत अच्छे से करवाई. एंड एवरी वन वॉज जस्ट वेरी वेरी हैप्पी. सो क्यूट. This is Varun's granddad. My God. Love it. Hold this. This is the grandson and this is the granddad. Awesome. नेक्स्ट वी वेंट टू पत्तापुर, जो वरुण की नानी का घर था जहाँ पर. एंड दिस विलेज वॉज ब्यूटिफुल. इतना ज़्यादा पीसफुल, इतना ज़्यादा सुंदर मैंने गांव शायद ही देखा है. नानी ये देखो कहाँ आए हम लोग. ये अपने नानी त्यागी जी की है और जो सबसे पहले है वो राधा कृष्ण की है.
जी नानी, बहुत अच्छा था, बहुत। कई सालों बाद देख रहे ना आप? हम तो देख रहे हैं अभी। हेलो हेलो, आज मैं अपनी फर्स्ट टाइम अपनी नानी के बर्थ प्लेस पे आया हूँ यहाँ पे, एंड इट्स क्वाइट अ सरियल एक्सपीरियंस। नानी को मैंने वीडियो कॉल पे दिखाया, वो 50 इयर्स बाद इन जगहों को देख रही थी। आई मीन आई डोंट नो इफ इट वाज सिमिलर, बट शी फेल्ट लाइक अ सॉर्ट ऑफ बिलोंगिंग। एंड हाउ ओल्ड इज नानी? नानी इज नाउ 84। सो या शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। यहाँ पे उनके गुरु जी का यहाँ पे उनने समाधि ली थी। वो 7 इयर्स के थे और वो पता नहीं कहाँ से आए थे, उन्हें भी उन्होंने कभी बताया नहीं। बट ही वॉज अ किड हु रैंडमली वॉक्ड इन टू माई ग्रैंड मदर्स विलेज, एंड उसके बाद से वो वहीं रहे। एंड ही डिडंट यूज टू स्पीक, ही ओनली यूज टू डू हनुमान जी पूजा ऑल डे। एंड तब से उनका, इवन एज अ चाइल्ड, सिंस 7 इयर्स ओल्ड, व्हाट ही केम एज अ मॉन्क, एज अ चाइल्ड मॉन्क, एज अ चाइल्ड मॉन्क, 7 इयर्स ऑफ एज, फ्रॉम नोबडी नोज वेयर। बट ऋतु को बैलगाड़ी में बिठा दो तो ये उधर से आ जाएगी। देयर इज ट्रैफिक। कहाँ जा रही हो अभी? अच्छा, हम क्या बैलगाड़ी चलाने जा रही? इसमें मैं बैठी हूँ, नानी के घर में ही बैठी हूँ। एक दो हटा दिए गए। आई लव इट, द व्हील्स आर ऑफ, द व्हील्स आर ऑफ। हमारी भागवत की पूजा की शुरुआत हुई एक कलश यात्रा से, जिसमें गांव के लोग सब ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैंने, मेरी मदर इन लॉ और बाकी लेडीज़ ने सब ने अपने सर पे कलश रखा, वाइल वरुण हैड कान्हा जी एंड माय फादर इन लॉ हैड द भागवत पुराण। तो वो पूरे गांव में परिक्रमा होती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वाज, यू कैन सी मी, मैंने और वरुण ने ये पूरी कलश यात्रा नंगे पैर करी, एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड गांव में आके इतना ज़्यादा एट होम फील होता है, यहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने सिंपल, और वो आपको इतना ज़्यादा फैमिली की फीलिंग देते हैं। तो वी एंजॉयड द कलश यात्रा अ लॉट। प्रीति ही आपके दे दो ना, क्या बिगड़ जाएगा, इतना सारा तो है। उसकी आदत बन गई, धीरे 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 जोर खेलने लगा, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पीने लगा, घर की सारी संपत्ति जीव में हर गया। पिताजी को आकर कहता है, पिताजी बताइए कहाँ धन छिपा गया क्या? ये मिर्च है देखो, सब्जियां भी हैं, पालक है, मिर्च तो मैंने लगाई है बहुत, लगाई है, करेले का पेड़, अच्छा गार्डन बनाया है, बहुत अच्छा। ये बेलपत्री है, हाँ बेलपत्री शिवजी वाली, ये शिवजी के लिए ही लगाई है। और ये अनार, बड़े खूबसूरत अनार लगे हुए हैं इस पे, हाँ वो अमरूद का पेड़।
और ये देख तुझे जो बहुत पसंद है। हाय गॉड, ओह माय गॉड, सो क्यूट, हाय, लव इट। वाइट ड्रैगन देखा है तुमने कभी? नहीं, देखो ये लगी नीचे वाइट कलर का है, दिल्ली तुझे सो वाइट बैंगन। वाओ, मैं पहली बार देख रही हूं। प्लीज, हां प्लीज, वाइट वाला। अरे वाह, अरे हल्दी काली मिर्च इनका सब पाउडर बना के थोड़ा पानी में घोल के अच्छा। और उसकी जड़ पे डाल दो तो उस पे फल आने लगे। पूरे नीचे झुक गई, चीज है। दादी बाल के लिए डांटो, हमारे लड़के के सिर के पिटियन के सही बाल है, के पिटियन के ऐसे बाल जैसे हमारे बाल है। दादी डांटो बालों के लिए। हां हां दादी, हां दादी साथ होइए। हां या काटते के बाकी दोबारा हुआ बाल है या फिर या अबे तेरे को ऊपर तक बार बार भाई लियो उतर आई लियो एक बार उतर आई लिए। इनने कहा है एक हफ्ते तक नहीं कटा सकते है? व्यास जी ने कहा है जे बंदे है एक हफ्ता नहीं कटाए, भागवत के बाद कटा लिए। हाँ तुमने नहीं कही थी जे धारे तो पहले कटा आई है, पहले ही बनवाई ना, अच्छे लग रहे हैं। हाँ हमाओ व्यास लग रहे हैं, हम भी व्यास। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था पूरे गांव में इस भागवत का कि लोग रोज घंटों घंटों तक हम लोगों के घर में रहते थे एंड बच्चे ड्रेस अप करते थे एज डिफरेंट गॉड्स, और काफ़ी बच्चे नाराज़ भी हो जाते थे अगर उन्हें मौका नहीं मिलता था। बट सब ने इतना ज़्यादा इन्जॉय करा इसको एज अ फेस्टिवल कि इट वॉज़ वेरी हार्ट वार्मिंग। गाँव में पूरी रात डीजे चलता था, पूरे दिन भर पूजा होती थी, इतना एक्साइटमेंट, इतना एन्जॉयमेंट, ये सच में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि अगर आपने बहुत जन्मों तक बहुत पुण्य कमाया है तभी आप भागवत जैसी इस महापूजा का आयोजन कर सकते हैं। एंड नीडलेस टू से इट वॉज़ अ ह्यूज सक्सेस, सब बहुत इन्जॉय करा, हमने एज अ फैमिली बहुत इन्जॉय करा एंड इट वॉज रियली एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। भागवत के लास्ट डे पर एक भंडारा था विच वॉज ऑल्सो लाइक अ वेडिंग रिसेप्शन फॉर अस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट कम एंड इट वॉज सो ओवरवेलमिंग बिकॉज कुछ 6-7 हज़ार लोग थे। इतनी भीड़ रही और 10-10 बार पंडाल उठी और 10 बार बैठी, खूब भीड़ रही दादी, खूब बढ़िया हुई भागवत, खूब नाचे कल भी लोग, खूब पूरी बची गई बोरा की बटावा ठेगा। हाँ गांव के सबसे अच्छी ये बात है कि यहाँ हर चीज़ एक सेलिब्रेशन बन जाती है। टुवर्ड्स द एंड जब वापस फैमिली मंदिर पर आए तो यहाँ होली होने लगी एंड सारे कजन्स ने सबने इतने मज़े करे, दे रियली नो हाउ टू लिव लाइफ
एंड पता भी नहीं चला कहाँ से रंग आ गया, कब होली खेलना शुरू करी, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। Oh,